कि भूखे पेट भजन नहीं होते, इसलिए अब यहाँ खाने का समय है। तो जी खान पान ठीक ठाक है, खाना ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। ये तो अभी आप उस मुफ्त योजना के लाभार्थी हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी योजना से मुफ्त खोरी बढ़ रही है। इस तरह की योजनाओं से मुफ्त खोरी नहीं बढ़ती, एक लाभार्थी के तौर पे कैसे सोचती हैं? नहीं, मनोरंजन हो रहा है लेडीजों का, लेडीज इतनी बार निकलती नहीं है। हाँ। उनको चम्मच आया हुआ है। और जो इसके खिलाफ ये कहते हैं वो फ्री का सब आदमी मौज ले रहे। हाँ। लोगों को पहले पता नहीं था कि नेताओं को जो है पहले सारी चीज फ्री मिलती थी, बिजली फ्री, पानी। सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव कुमार, मेरे यूट्यूब मंच सच की आवाज पे आपका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का पूरा ठेका ऐसे ले लिया जैसे सब कुछ इन्होंने ही किया है, जबकि पूरा देश जानता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर और विदेशों तक से उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सबका अंश दान हुआ है और वो राम मंदिर के निर्माण के अंदर प्रभु के चरणों में लग रहा है। उसके विपरीत एक पॉलिटिकल पार्टी ने आज एक ट्रेन का इंतजाम किया जिसके अंदर कम कमाने वाले या बुजुर्ग लोगों को मुफ्त के अंदर राम मंदिर के दर्शन कराए जाए। बस फिर क्या था, बीजेपी की लोगों की छाती फट गई और मुफ्त की रेवड़ी कह के ताने मारने लगे। इसके लिए एनडीटीवी के एंकर ने ट्रेन के अंदर ही लोगों के इंटरव्यू लिए जो कि बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू है, और किस तरीके से लोगों ने मोदी जी के और इनके लांछन लगाए हुए कि मुफ्त की रेवड़ी का करारा जवाब दिया है, ये देखने वाली बात है। और उस पॉलिटिकल पार्टी का भी भला हो जिसने ऐसे लोगों को, और भी उसके बाद भी वो ट्रेनें चलाएंगे, आप भी अगर जाना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है इंटरव्यू के अंदर और किस तरीके से दमदार पब्लिक ने जवाब दिया है। मैं दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलने वाली उस ट्रेन में हूँ जो अयोध्या जा रही है। रात का समय है और श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, भक्ति में लीन हैं। भक्ति में पूरी तरह से लीन, और जो कहते हैं कि जब मस्त हुए तो क्या कहने। उनको डाल दो भैया। कहते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होते, इसलिए अब यहाँ खाने का समय है तो खान पान चल रहा है। थोड़ा बताइए जी, खान पान ठीक ठाक है? खाना ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अच्छा, देखने तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, खाना बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, वैसे मैं खाने की बात करने नहीं आया था आप लोगों से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? एस के डर मयूरवार फेज थ्री में। मयूरवार फेज थ्री जी। अयोध्या पहले गए हैं या फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम? आपने पहले सोचा था कि जाएंगे या ये योजना है इस वजह से? योजना की वजह से जा रहे हैं, अदरवाइज पहले हमने कभी सोचा ऐसा। क्या नाम है जी? संजीव कुमार गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ रहते हैं? न्यू कोंडली। अच्छा, न्यू कोंडली, ठीक है। तो आपने सोचा था पहले कभी जाएंगे या इस योजना की वजह से सोचा? नहीं, ये इसी योजना की वजह से सोचा था, उन्होंने अपनी मम्मी के साथ आए, मम्मी को घुमाने के लिए। अच्छा अच्छा, आप एक अटेंडेंट के तौर पर हैं उनके पास? जी जी। अच्छा, चलिए तो दर्शन भी हो गए। हमने की चलो मम्मी के साथ हमने घुमा पाए तो मम्मी के साथ मम्मी घूम आए। नहीं तो आप क्यों नहीं घुमा पाए, यही जाना चाह रहा हूँ। अरे यही है, अपनी आर्थिक व्यवस्था कुछ कमाई दमाई है नहीं, काम धंधा है नहीं कुछ भी इस समय। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह की योजना ना होती
तो आप शायद अपनी माता जी को दर्शन नहीं करा रहे थे? नहीं, समझ नहीं पा रहा। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश जी, आप किस तरह कहाँ रहते हैं? हम किराड़ी में। किराड़ी में, ठीक है। आपने सोचा था कभी, पहले सोच रखा था कि जाना है, कुछ मन्नत मांगी थी इस तरह का कुछ? ना, हमारी गुंजाइश ही नहीं थी, असल बात है। ये तो मुख्यमंत्री की योजना की वजह से ही जा रहे ना, हम नहीं जा पाते, क्या पता। अच्छा। हाँ, अब हमने विचार करा कि आगे हाथ पैर हमारे चलेंगे, नहीं चलेंगे, थोड़ा बहुत पैर चलेंगे, इसलिए ये समय चुना। गुंजाइश मतलब क्या, आर्थिक बारे में आप कह रहे हैं या शारीरिक के बारे में कह रहे हैं? शारीरिक और आर्थिक दोनों ही। दोनों, अच्छा। ये कहा जाता है कि जैसे दिल्ली सरकार जो है वो बहुत सी मुफ्त योजना चला रही है, तो अभी आप उस मुफ्त योजना के लाभार्थी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी योजना से मुफ्त खोरी बढ़ रही है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं एक लाभार्थी के तौर पर? देखो, ये मुफ्त खोरी कुछ नहीं है, ये तो सेवा है। भाई सबको मौका नहीं मिलता है तीर्थ यात्रा के लिए, तो इसके अनुसार सबको मौका मिल जाता है। जो ना जा सकते उनको भी मिल जाएगा, जिनके घर वाले कई जगह नहीं भेजना चाहते, बूढ़ों के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना चाहते, तो उन बूढ़ों को अच्छा मौका मिला है इस यात्रा में। इस तरह की योजनाओं से मुफ्तखोरी नहीं बढ़ती है, एक लाभार्थी के तौर पर कैसे सोचती है? नहीं, मुफ्तखोर नहीं है, ये बहुत ही बहुत धर्म का काम हो रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि सारा साल मुफ्त कर जा रहे हैं, उन लोगों को आदत लग जाएगी मुफ्त की चीजों की। यूं यूं कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं ये भाई हमने तो मुक्ति योजना नहीं लगती, कहते भगवान के दर्शन करने हैं, और गणखरे ऐसे भी हैं, अब वो अपने बालक माँ बाप का ग्रास पानी करना पकड़ा सकते हैं, और ये पूरी सभी रात करके और सेवा करके अपना धर्म कमा रहे हैं। कोई मुफ्त योजना नहीं है, नहीं कोई लत लगती, लत लगती है नशे की, ये तो एक सेवा है। घूमने का अच्छा मौका लग रहा है, और मनोरंजन हो रहा है लेडीजों का, लेडीज इतनी बार निकटती नहीं है, उनको अच्छा मजा आया हुआ है, इस बार लेडीज निकटती हैं। और जो इसके खिलाफ ये कहते हैं, फ्री का सब आदमी मौज ले रहे हैं, लोगों को पहले पता नहीं था कि नेताओं को जो है पहले सारी चीज फ्री मिलती थी, बिजली फ्री, पानी फ्री, टेलीफोन फ्री, नौकर फ्री, उनकी रेल यात्रा फ्री, हवाई जहाज फ्री, आना जाना फ्री, खाना पीना फ्री, सब कुछ फ्री था। अब आम आदमी को केजरीवाल ने देना शुरू कर दिया, तो नेताओं के पेट में दर्द हो गए। अरे यार, तो बड़े बहुत ज्यादा सजग है जी, न्यूज़ चैनल बहुत ज्यादा देखते हैं क्या? नहीं, मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ जी, बिल्कुल। उनके पेट में दर्द हो गया, और जो इस तरह की सोच वाले आदमी है वे ही इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ऐसी योजना आपने सोचा कि कितना खर्चा है अगर आप जाते? खर्चे की वजह से जा ही नहीं पाते हम लोग, बच्चे लेके नहीं जाते, सैलरी है नहीं, तो जो बच्चे हमें घुमाने के लिए ले जाए थे, क्योंकि इतना खर्चा कर नहीं सकते बच्चे। जितना याद कर लिए भगवान, और क्या इससे अच्छा और क्या हो सकता है? शायद हम कभी नहीं जा पाते, हमारे पास इंदिरा मनोज, हम छोटे आदमी हैं, और इनके द्वारा हम जो तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, आगे शायद जिंदगी नहीं कर सकते थे। मतलब क्यों 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 नहीं जा पाते? क्यों, हम इतने गरीब हैं, छोटे आदमी हैं, मजदूर हैं, छोटे किस्म के। अच्छा, तो शायद हम नहीं जा पाते, मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी करते, छोटे फैक्ट्री में काम करते हैं, फिटर हैं हम। अच्छा, टर्नर फिटर हैं हम, तो हम मजदूरी करते हैं भाई, कमाते खाते 10,000, 20,000, 15,000 वही कमाई है। हाँ। तो उसमें अपने बच्चों को जा रहा करना है या तीर्थ यात्रा करना है, ये तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है जो हमें ऐसा मौका मिल गया, इनके द्वारा हमने कर लिया ना, काय कर पाते। आप कह रहे हैं कि आप खर्चा कर सकते थे? खर्चा कर सकते थे, पर जो ट्रीटमेंट यहाँ मिला, सिक्योरिटी मिली, प्रोटेक्शन मिली, है ना, वो इतने सारे लोग एक व्यवस्था के तरह, व्यवस्था के तरह तो बहुत अच्छा है। एक गैदरिंग बहुत अच्छी है, आपस में इंटरेस्ट करके और एंजॉय कर रहे हैं इस सब चीज को, हो सकता है हम वहाँ नहीं एंजॉय करते। और पूछो क्या पूछ रहे भाई, दिस इज द बेस्ट स्कीम बाय द केजरीवाल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द फैमिली दे आर निगलेक्टेड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली, केजरीवाल टुक दिस इनिशिएटिव टू द सीनियर सिटीजन, हैव यू पिलग्रिमेज समवेयर एल्स, है ना, तो ये दिस इज द गुड, और मे आई होप आई विश दैट गॉड हेल्प हिम इन आइदर ऑफ द वेज। मुफ्त खोरी वाली बात बिल्कुल नहीं है, इसमें ऐसा है कि जो सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, कई बहुत से ऐसे लोग हैं दिल्ली में जो कि फाइनेंशियली वीक भी कह सकते हो, या कुछ पारिवारिक कारणों से भी वो नहीं जा पाते, और वो केजरीवाल जी ने उसको सब पॉसिबल कर दिया है, तो इससे हम बुजुर्गों के लिए, उन हमारे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा मान बढ़ गया है। ये तो कोई ना दिक्कत है, कभी मुफ्त वो दे रहे हैं और उसको बढ़ा रही है, इससे थोड़ा बढ़ रहा है, और आगे तो बढ़ रही है महंगाई, तो ये बढ़ा रहा है केजरीवाल बढ़ा रहा है। अच्छा, मुफ्त खोरी नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसी योजनाओं से मुफ्त खोरी नहीं बढ़ा, ठीक है, किसी का भी होता नहीं जाने का, ये तो फायदा तो कर रहा है बेचारा, कोई गरीब भी जा रहा है इसमें, अमीर भी जा रहे हैं।
बहुत ही आसानी के साथ ये कहा जा सकता है कि जो लोग खुद मुफ्त योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं वो तो ऐसी योजनाओं का समर्थन करेंगे ही, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है जो लोग ऐसी योजनाओं पर सवाल उठाते हैं या इसका विरोध करते हैं वो ऐसी किसी मुफ्त योजना का फायदा नहीं उठाते। जरा सोचकर देखिए, 2 साल पहले तक 3 लाख तक की सालाना आमदनी टैक्स मुक्त होती थी, मोदी सरकार ने 5 लाख तक की सालाना आमदनी को टैक्स मुक्त कर दिया। अब क्या ये कहा जाए कि जो लोग 5 लाख रुपए तक सालाना कमा रहे हैं वो मुफ्तखोरी कर रहे हैं क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे? नहीं ना। खैर, ये सब चलता रहेगा। आप देख रहे थे माहौल ट्रेन टू अयोध्या का। जल्दी ट्रेन से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NET मीडिया।